ना, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के 13वें राउंड में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने है पूर्व विश्व ब्लिट्ज चैंपियन मक्सिम लाग्रेव MVL। क्या MVL कार्लसन के अपराजय रहने के इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड को रोक पाएंगे? देखना होगा। इस मुकाबले में इससे पहले भी कई बार उन्होंने कार्लसन के खिलाफ कई बेहतरीन मुकाबले खेले हैं। MVL सामने कार्लसन सभी दोनों से मुकाबला शुरुआत होती हुई यहाँ पर MVL ने E4 खेल के शुरुआत करी है, कार्लसन ने C5 खेला है, Nf3 Nc6 यहाँ पर। तो कार्लसन ने इस लाइन को काफ़ी फेवरेट कर दिया है। हम देखें करुआना के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले के साथ Nd4 Cd4 Nd4 Nf6 Nc3 मेन लाइन होती हुई E5 अलापिन होता हुआ यहाँ पर Nd5 B5 पे जाता हुआ Nd6 Bg5 सबसे मेन लाइन है। बट यहाँ पर MVL अग्रेसिव Nd5 की तरफ जाते हुए Nd5 यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ Pd5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके Ne7 गए, कई बार लोग Nb8 जाते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी चाल जो है वो मानी जाती है। बट एनीवे कार्लसन Nd7 गए, यहाँ पर A4 यहाँ पर बेसिकली वाइट का आइडिया होता है ये पॉन स्टॉर्म यहाँ से लाना, प्यादों का तूफान जो है वो क्रिएट करना। देखते हैं कार्लसन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। नॉर्मल लाइन है A6 करना, यहाँ पर घोड़े को वापस भेजना। देखते हैं कार्लसन क्या रिप्लाई करते हैं यहाँ पर। कार्लसन ने Ng6 खेला है, ओके, और ये इंटरेस्टिंग है। सामान्य तौर पे हमने A6 जो लाइन है उसको ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पर A5 खेलते हुए है MVL, इंटरेस्टिंग है। बिशप E7, कार्लसन अपने डेवलपमेंट करने की तरफ आगे जाते हुए। यहाँ पर Bb6 और अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप A6 नहीं खेल सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर शायद थोड़ा गड़बड़ हुई है। A6 खेलेंगे तो Bb6 Nc7 आ रहा है और कार्लसन समझ गए हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ये जल्दबाजी में Bb7 रख दिया शायद तक। ऐसा होता है कई बार आपको कोई ओपनिंग जो बहुत अच्छे से याद होती है और आपको लगता है कि ये तो सामान्य चाल है, और यहाँ पर कार्लसन के चेहरे से साफ लग रहा है कि गलती हो गई है। कार्लसन ने कैसल कर लिया यहाँ पर, लेकिन गलती हो चुकी है। और क्या A7 का पॉन मारा जा चुका है? तो अगर ओपनिंग में A7 का पॉन कार्लसन का मर जाए तो और कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है। बिशप A7, बिशप D7 और बिशप वापस आ जाएगा इवन B6 पर विद द थ्रेट क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए। क्वीन C8, कोई कंपनसेशन नहीं यहाँ पर, थोड़ा भी कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं ब्लैक को। एक प्यादा मुफ्त में ओपनिंग में जा चुका है मैग्नस कार्लसन, अभी भी शॉक में है, क्या कर दिया मैंने, ओपनिंग में ही दे दिया। और अब देखना होगा कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करते हैं। MVL वो खिलाड़ी हैं जो इस एडवांटेज को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और कार्लसन को मात दे सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि कार्लसन कुछ ना कुछ क्रिएट तो ज़रूर करेंगे चाहे जो हो जाए। MVL यहाँ पर सोचते हुए, और इवन Nc7 जैसी चाल भी जो है वो पॉसिबल लगती है यहाँ पर, आप खेल सकते हो Nc7। यहाँ पर MVL हाथ ही लाते हुए Re3, शायद रुक को C3 पे लाना चाहते हैं, और एक प्रकार से कार्लसन से सवाल पूछते हुए कि जनाब जो आपने गलती की है कैसे पनिशमेंट दूँ मैं आपको, यहाँ पर उसकी सजा का भुगतान कैसे करोगे आप? कार्लसन अभी भी नाराज हैं खुद से, बार बार उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है उनसे नहीं छुपता ये सब कुछ। बिशप बी फाइव भी दे दिया अपना, बिशप यहाँ रखा है पीछे D8 एक एक्सचेंज करने के लिए। कार्लसन का शायद यहाँ प्लान होगा कि रुक क्वीन एंड गेम में अगर ये गेम चला जाए तो किसी तरीके से शायद वो आधा अंक निकाल पाएँ यहाँ पर। बट MVL मास्टर हैं चाहे आप एंड गेम की बात करें, और बहुत ही अच्छी तगड़ी पोजीशन है यहाँ पर। बिशप D8 मारते हुए MVL यहाँ पर किससे मारेंगे, क्वीन से रुक से? कार्लसन को करना होगा यहाँ पर डिसाइड, निर्णय लेना होगा। ओके, F वाले रुक से मार दिया है उन्होंने यहाँ पर D8, और अब कैसल करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए MVL यहाँ पर, ये मैंने जैसे आपको ओपनिंग बताया था यहाँ पर यही मेन लाइन होती है, और अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन मिल जाए तो फिर तो पोजीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने खेला क्वीन C5, यहाँ पर देखिए C4 भी आ चुका है, क्वीन B4, कार्लसन किसी तरह से रोकते हुए प्यादों को, लेकिन कब तक रोकोगे आप? कभी ना कभी क्वीन एक्सचेंज होगा इस पोजीशन में, और जैसे क्वीन एक्सचेंज होगा B4 C5 बहुत ही डेंजरस हो सकता है। MVL को ज़रूर यहाँ पर सोचना होगा कि किस तरह से कार्लसन जो अटैक क्रिएट कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें यहाँ पर। अभी B2 पे भी अटैक है क्वीन A1 जाते हुए यहाँ पर। जरूर कार्लसन ने पिछली दो चाल में कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, वजीर को अंदर लेकर के आ गए हैं, घोड़े को भी इम्प्रूव किया है यहाँ पर। ओके, और रुक E1 क्वीन E2 जाते हुए
क्या यहाँ पर अभी देखिए नाइट E2 जैसे थ्रेड कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, थोड़ा कोऑर्डिनेशन जरूर करना पड़ेगा यहाँ पर अपने मोहरों का MVL को, क्योंकि सिर्फ देखें तो बोर्ड पर ये दो मोहरे ही एक्टिव हैं फिलहाल, ये दो मोहरे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं दोनों हाथी। किंग F1 इंटरेस्टिंग डिफेंस, और एक तरह की चाल चल के उन्होंने बता दिया कि देखिए आपके पास सिर्फ ये घोड़ा और वजीर ही है और कुछ हो नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो। इंटरेस्टिंग, चलिए देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं। मैग्नस कार्लसन के ऊपर दबाव तो ज़रूर है, पॉन आगे बढ़ दिया है उन्होंने E4 पर, शायद E4 E3 कभी कुछ करना चाहें, पर यहाँ पर क्वीन C1 लाते हुए फोर्स करते हुए एक्सचेंज करना गलत चाल हो गई यहाँ पर, घोड़े पे से सपोर्ट हट गया तो यहाँ पर फोर्स एक्सचेंज करना पड़ा और मेरे ख्याल से अब मैग्नस कार्लसन की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि B4 C5 बहुत तेज़ी से आएगा। इन्होंने नाइट D3 यहाँ पर देखिए पोजीशन पे कितना कॉन्फिडेंस है यहाँ पर MVL को, उन्होंने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया यहाँ क्योंकि उनको पता है ये पॉन मिल ही जाएगा, एक पॉन अप है वो और यहाँ से जब पॉन दौड़ेंगे क्वीन साइड से तो उसको पॉन रोकेगा। फिलहाल यहाँ पर ये आसानी से रुक D3 होता हुआ। कार्लसन के पास दो हाथी जरूर हैं लेकिन उनके पास ऐसा कोई फाइल नहीं है जिस पर कुछ वो एडवांटेज उठा पाएँ, कहीं से पॉन ब्रेक दे पाएँ, स्थिति काफ़ी ख़राब है। हाथ भी लड़खड़ा रहे हैं भाई कार्लसन के, रुक E7 क्या यहाँ पर रुक E3 भी खेला जा सकता है, आप इसको भी एक्सचेंज कर दें और किंग को ऊपर ले आएँ, पॉसिबल है इस तरह की पोजिशन में, बहुत संभव होता है क्योंकि बिशप वो जो दो प्यादों के साथ बिशप और ख़ासतौर पर प्यादे आपके पाँचवें छठवें घर में पहुँचने के लिए तैयार खड़े हैं, ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है। रोक E3 रख दिया उन्होंने सामने, कोई काउंटर प्ले नहीं लेने देंगे। ओके किंग F8 किंग E2 बहुत मुश्किल में है मैग्नस कार्लसन इस गेम में, वो जो एक गलती की है उसका बराबर यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है, पनिशमेंट दिया है यहाँ पर बराबर। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ रुक F3 मार लिया है, किंग E7 किंग E4 किंग D4 और अभी C5 की भी तैयारी, रुक F8 गए हैं कुछ क्रिएट करने के लिए लेकिन शायद बहुत देर हो जाएगी। C5 इन्होंने किया F4, क्या करेंगे, मारेंगे आगे बढ़ेंगे, मारने पे तो चेक आ रही है मेरे ख्याल से, शायद पॉन को आगे बढ़ दें, मारने पे तो रुक एक्टिवेट हो जाएगा, शायद वही कार्लसन चाहते हैं। हाँ पॉन आगे बढ़ दिया है यहाँ पर E4 पर, कहीं से भी देखिए इसको कहते हैं कि आप सामने वाले को कोई मौका ही नहीं दें मोहरे खोलने का, और जहाँ जहाँ भी कार्लसन अपने चांस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ से पोजीशन ओपन करता हूँ तो वहाँ पे MVL वैसा करने नहीं दे रहे। और ये गेम देखिए आपको सिखाएगा भी कि चाहे सामने वर्ल्ड चैम्पियन है अगर ओपनिंग में उसने कोई ऐसी गलती कर दी जिसके बदले में उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है तो आप किस तरह से एक विश्व चैम्पियन को पराजित कर सकते हैं, ये MVL से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता यहाँ पर जो MVL दे रहे हैं। F3 रुकाता हुआ यहाँ पर F4 पर खेला है मैग्नस कार्लसन ने, इंटरेस्टिंग है, शायद वो E5 नहीं करने देना चाहते। एनीवे A6 आता हुआ B6 बिशप A6, अभी B वाला पॉइंट डेंजरस हो चुका है, C वाला पॉइंट डेंजरस हो चुका है, G5 आते हुए यहाँ पर B5 पोजीशन बहुत ज़्यादा फेवर में है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। G4 उन्होंने बोला B6 आप करिए, उन्होंने बोला जो भी आपको यहाँ पर करना है करिए, मेरे प्यादे तो बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। B6 पे पहुँच चुके हैं यहाँ पर और एक बड़ी बात है कि ये जो बिशप है वो यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो अगर कोई पास्ट पॉन निकल भी आया तो कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर C5 एक्सचेंज, किंग C5 पॉन F3 पर, यहाँ पर एक और चेक देते हुए पॉन को आगे बढ़ा, बहुत सारे प्यादे हो रहे हैं यहाँ पर। D6 चेक, सो किंग C7 बिशप B5 चेक किंग E6 तो बिशप C4 चेक किंग E5 यहाँ पर B7 रुक पीछे D7 ओ माय गॉड किसको रोकेंगे F2 यहाँ पर किंग C6 उन्होंने बोला बना लीजिए क्वीन, यहाँ पे हमारे दो क्वीन बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, बिशप दे देंगे हम अपना। कार्लसन बुरी तरह से फंस चुके हैं इस पोजीशन में, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। किंग D4 बिशप F1 और मैग्नस कार्लसन यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं, यहाँ पर रिजाइन करते हुए मक्सिम लागरेव ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की इस मैच में। और कहाँ पर गलती हुई मैग्नस कार्लसन से, जब मक्सिम ने खेला A5 और ध्यान नहीं दिया मैग्नस ने और जल्दी से बिशप E7 खेल दिया क्योंकि बिशप E3 आ गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी आप यहाँ पर आप ये नहीं खेल सकते हो A6 क्योंकि बिशप B6 आ रहा है, आप क्वीन हटना पड़ेगा आपको एंड देन नाइट C7 आ रहा है तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ही उनका पॉन फ्री में मर गया, कैंसिल करना पड़ा। और कार्लसन एनालाइज भी करते हुए यहाँ पर निराश की ओपनिंग में ही जो उन्होंने गलती कर दी और उसके बाद एक बेहतरीन चाल थी जब
ग्रुप D3 मार के इसको कन्वर्ट किया गया बैंक में। एमबीएल का शानदार किया। AG, what are you doing? I'm on Wilder. AG, why are you being so nice to me? I'm on Wilder. AG, why should someone be on Wilder? I'm on Wilder.